कार्यक्रम की निजामत कर रहे थे गुलजार जिगर साहब, जो कि सहारनपुर से आते हैं और शायरी अदब का एक बहुत बड़ा नाम आप होते हैं, कई विदेश यात्राएं आपके खाते में हैं। मैं इन दो पंक्तियों के साथ आपका आह्वान करता हूं, मैं बुलाता हूं कि धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं। देखिए आप लोग संख्या में कम हैं लेकिन बहुत सुधी श्रोता हैं। मैं सलाम करता हूं, जो छटनी थी वो छट चुकी है, अब आप लोग अच्छा सुनने वाले अच्छे सामाईन हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए। बहुत मेहनत के साथ गुलजार जिगर साहब इस कार्यक्रम की निजामत कर रहे थे। आपको एक बाहर कार्यक्रम में जाना था लेकिन मेरे पास आदेश आया मेरे बड़े भाई का कि जो है कार्यक्रम में मुशायरा होना है, उस मुशायरे में हमें निजामत गुलजार साहब से करानी है। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, मैं चाहता हूँ आपके लिए एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए कि धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रतन पाले हैं, धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रतन पाले हैं जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए गुलजार जिगर साहब के लिए। बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो हमारे सलमान साहिब और तमाम टीम ने मिलकर सजाया, फिर से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक बस्ती में आग लगी हुई थी तो लोगों ने सोचा कि इस आग को बुझाया जाए, तो कुछ लोग उस आग को बुझाने में मसरूफ हो गए। एक चिड़िया भी तालाब पर गई और अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग पर डालने लगी। जब ये कार्य ये अमल उसका एक कौवे ने देखा तो कौवे ने कहा कि ऐ चिड़िया क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी चंद बूंदों पानी से ये भीषण आग ये तूफानी शोले क्या बुझ सकते हैं, जाओ तुम अपना काम करो अपने घर जाओ। तो चिड़िया ने कहा कि भाई मैं जानती हूँ कि मेरे चंद कतरात पानी से ये आग बुझ नहीं सकती, लेकिन जब तारीख साज इस इतिहास से इस बस्ती का इतिहास लिखेगा, जब मौर्रिख इस बस्ती की तारीख लिखेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में आएगा। तो दोस्तों इस मंच का इस डाइस का यही पैगाम है कि अपनी जिंदगी ऐसे रास्तों से गुजारी जाए, उन अमल के साथ गुजारी जाए कि जहां से आपकी जात से वो खुशबू आनी चाहिए, कि तुम जिस महफिल में चले जाओ वो आपकी खुशबू से मुअत्तर हो जाए, वो आपके किरदार से वो अंधेरे रास्ते पुरनूर हो जाएं जिनको वक्त तारीख और जमाना याद रख सके। यही एक शायर का यही एक कवि का पैगाम है। चूंकि शायर और कवि पूरी दुनिया उसकी दोस्त होती है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। वो जैसा देखता है जैसा महसूस करता है, समाज हो सियासत हो माशरत हो मोहब्बत हो गृहस्थी हो, तो वो वैसा ही कलम उठाकर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर देता है और फिर जनता की अदालत में बड़े ही अदब के साथ पेश कर दिया करता है। बाकी काम जनता का है अवाम का है कि वो हमारी बातों को कवि और शायरों के मशवरों को कहाँ तक मानता है और कहाँ तक नहीं मानते। आइए कुछ शायरी रंगीन से हटके भी होती है। जामो मीना या जुल्फ गिरागीर का ही नाम शायरी नहीं है, जिंदगी की सच्चाइयों और जमीन से मंसूब भी कुछ शायरी हुआ करती है। मैं आपको चंद अशार जिंदगी और सच्चाइयों से जुड़े हुए आपको सुनाता हूँ। स्वागत है जी शाद साहब और मेरे तमाम काबिल एहतराम दोस्त मित्र अहबाब। पता हो कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। और मुकद्दर से पहुंचता है कोई इतनी बुलंदी पर, मुकद्दर से पहुंचता है कोई इतनी बुलंदी पर, किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है। मुकद्दर से पहुंचता है कोई इतनी बुलंदी पर, किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है। और ये शेर जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक बार
सहारनपुर बहुत बड़े प्रोग्राम की निजामत कर रहा था। हालांकि मैं अशार बाद में मैं नहीं पढ़ा करता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ निजामत का है, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं जिगर भाई आप पढ़िए। तो मैंने जब ये शेर सुनाया जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसकी ये जरा सा पसे मंजर में बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है, और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो ये जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया। तो एक बुजुर्ग बार बार इस शेर को सुनते रहे और मुझसे मुकर्रर करते रहे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए। आप बड़े भाई हैं मेरे और बड़े ही रहेंगे, हमेशा बड़े बड़े ही हुआ करते हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो साहब वो मुझसे कहने लगे कि जिगर भाई इस शेर को पढ़ते रहिए। मैंने एक दो मर्तबा और पढ़ दिया, तो मुझे कुछ मालूम नहीं कि इन साहब का क्या पसे मंजर है, क्या इनके साथ हालात हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो मेरे से ऐसे ही गले मिले और कहने लगे और पढ़िए। तो एक नौजवान मजमे में से आए और आके कहने लगे कि आखिर अब्बा हुजूर तुम्हें ये शेर पसंद क्यों आ रहा है। तो वो उनके साहबजादे थे कि आखिर आप इस शेर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। तो वो कहने लगे बेटे तुझे नहीं मालूम जब तुम घर पे नहीं होते मेरे साथ क्या सुलूक होता है। तो यकीन कीजिए इस शेर के लिए मेरे पास बहुत जगहों से मैसेज आए और उसमें यह लिखा हुआ कि जिगर भाई हमने आपका शेर सुनकर जो हमारे अंदर खामियां थी हमने उनको दूर किया और आज हम अपनी सास ससुर तमाम अहले खाना की खिदमत और सेवा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये शेर हमारी जात पे सादिक उतर जाए। तो एक मैसेज है। तो दोस्तों शायर का मतलब मैसेज देना, पैगाम मोहब्बत देना, ये हमारी कौमी अखलाकी मिली जिम्मेदारी है कि हम अपने मंच से अपने डाइस से नई नस्ल को नए बच्चों को एक ऐसा पैगाम दें जो उनकी जिंदगी में एक उजाला बन के काम आए। तो आइए कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है, और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है, और है मुफलिस बाप तो कब तक अना महफूज रखेगा, जवां हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है, और बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को, गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है, और यही है शीशाए इज्जत इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है, और बहुत सो को बुराई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है, कभी जोड़ दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है, और अंधेरे जब भी गफलत के जमाने में जिगर फैले, उन्हें इल्मो अमल की एक तजल्ली तोड़ देती है, उन्हें इल्मो अमल की एक तजल्ली तोड़ देती है।